कहाँ पर थी तुम मैडम? तुम्हारा फोन नॉनस्टॉप बज रहा है, एटलीस्ट जाने से पहले इसे साइलेंट पर करकर जाती तो अच्छा रहता। मुझे बार बार कॉल कौन कर रहा है? शायद तुम भूल रही हो कि तुम मेरी असिस्टेंट हो, मिस सुना। क्या इतने सारे मिस कॉल्स आए हैं? कॉल उठाओ या इसे साइलेंट पर कर दो। हाँ कहिए मॉम। तुम किधर हो हयात? कहाँ है वो, कहाँ है वो, कहाँ है वो? वो फोन क्यों नहीं उठा रही थी? पूछो उसे कहाँ है वो, कहाँ है? ऑफिस में हूँ मैं, और कहाँ होंगी? क्या कह रही हो, क्या ठीक ठाक है? हम तुम्हारे ऑफिस में ही हैं। ये दोनों मुझे मार डालेंगे, मार डालेंगे। बाप बेटी मिलकर जीने नहीं देंगे मुझे। मैं कुछ समझी नहीं, किसके ऑफिस में आया? क्या पूछ रही है? वो पूछ रही है कौन से ऑफिस में है। लाओ मुझे दो। हम तुम्हारे ऑफिस में ही है शहजादी। कहाँ हो तुम? हाँ कहाँ हो तुम, कहाँ हो बताओ मुझे। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्या कहा उसने? वो कह रही है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उससे मिलने आए हैं ना। बेटा देखो सुनो, रिसेप्शन की लड़की ने हमसे कहा कि तुम यहाँ काम ही नहीं करती। तुम तो हर सुबह घर से ऑफिस जाने के लिए निकलती हो ना। अब मुझे बताओ मैं तुम्हारे पापा को क्या जवाब देने वाली हूँ? है चुप क्यों हो आप? बताओ मुझे क्या जवाब दूँ? मॉम इस सब का क्या मतलब है हयात? हाँ क्या मतलब है इस सब का? इसका कोई मतलब नहीं है मॉम। उसे मेरा नाम नहीं पता क्योंकि मैं यहाँ नहीं हूँ और कुछ नहीं। हम हैरान हो गए थे जब उसने बोला कि इधर हयात नाम की कोई लड़की काम नहीं करती। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हैं? क्यों जवाब नहीं देती मेरे फोन का? मैं काम कर रही थी मॉम, काम पर थी। बॉस ने मुझे बुलाया था। क्या कहती उन्हें कि मॉम का फोन आ रहा है? और अगर मैं यहाँ काम नहीं करूंगी तो और कहाँ करूंगी? हेलो टुवल मैम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ पर काम करती हूँ हयात। चलो आखिर कोई तो है जो इसे जानता है। हाँ, सही। हाँ। कौन है ये लोग बताओ तो सही, कौन है? ये मोहतरमा, ये दोनों बस जा ही रही थी यहाँ से। मैं उन्हें बाय कहने आई थी। ठीक है आप जाइए, सब कुछ ठीक है। ये क्या कह रही हो तुम? हम दोनों को बाहर क्यों भेज रही हो तुम बेटी? बेटी आप हयात की मॉम हैं? जी हाँ मैं हूँ। और ये हयात की आंटी हैं। कॉफी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस टुबा। अब अगर कॉफी हो गई हो तो आप दोनों जाइए। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो हयात? हमें जरा बात तो करने दो। टुवाल नाम है मेरा, नाम तो सुना ही होगा, द फेमस डिजाइनर। ऐसा मैं नहीं कहती, लोग कहते हैं, वरना आप तो मेरी तारीफ नहीं करने वाली। क्या बात है, बहुत अच्छे। आपकी बेटी भी बड़ी कमाल की है, काफी कॉन्फिडेंट है, हार्ड वर्किंग है, काफी अच्छे से बड़ा किया है आपने इसे। ऐसी कोई बात नहीं है मिस तुवाल, सही कहा ना? टुवाल मॉम, टुवाल। चलिए मैं आपको छोड़कर आती हूँ ताकि हम काम शुरू कर सके। हयात ने ठीक कहा, देखो हमें ऐसी औरत को नहीं रोकना चाहिए जिसका काम पूरी दुनिया में बड़ा ही मशहूर हो। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस डुमान मैडम। डुमान इतना भी बुरा नहीं है। एक मैं टुवाल हूँ। टुवाल आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, परेशानी हुई हो तो मैं माफी चाहती हूँ। चलो चलो बाय बाय लेडी।
आप जाइए भी। फिर आइएगा। चलो चलो। तो चलो आप मुझे सब कुछ सच सच बताओ। कौन थी ये औरतें और तुम कौन हो? क्या मतलब है आपका? तुम एक दिन फोन पर किसी से कह रही थी कि तुम्हारी मॉम गुजर चुकी हैं। मैं फिर से पूछ रही हूँ, कौन थी ये औरतें और तुम कौन हो हयात? वाल मैम मेरा सच जान गई हैं, अब बस यही होना बाकी था। किसने तुम्हें किसके साथ पकड़ा है और उस वक्त तुम क्या कर रही थी? मॉम और फादिक आंटी ऑफिस आ गए थे, मैं और क्या कर सकती थी? अब उसे चिढ़ाना बंद करो ताकि हम बाकी बात जान सके। बताओ हयात, तो आज क्या क्या हुआ? मेरे बॉस ने मुझ पर बेईमानी का इल्जाम लगाया तो मैंने क्विट कर दिया। और मॉम जब ऑफिस आई थी तो उन्होंने मिस टुवाल को बता दिया कि मैं उनकी बेटी हूँ। और क्या बताया उन्होंने? हयात ने क्या बात की ये जरूरी है, ना कि एमी ने आंटी ने क्या कहा। और तुमने भी एकदम तुरंत उनकी बात मान ली होगी, है ना? बताओ क्या किया तुमने? नहीं, बिल्कुल नहीं मानी। मैंने कोई और ही कहानी बनाई। मिस एमी ने ना खुद को मेरी मॉम कहती है जबकि वो एक्चुअली मेरी कुक है। उसने पूछा नहीं कि वो अम्मी की एक्टिंग क्यों कर रही थी? क्योंकि एक्चुअली वो एक्सीडेंट में उनके दोनों बच्चे मर गए, इसलिए। क्या? और आगे क्या कहा तुमने? बस तब से ही उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उस एक्सीडेंट के बाद उन्हें मेंटल प्रॉब्लम शुरू हो गई। उन्हें मुझ में अपना बच्चा दिखाई देता है और इसीलिए हम उनसे कुछ नहीं कहते। देखो मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। टुवाल मैम को भी उनके लिए बुरा लग रहा था। तो उसने तुम्हारा यकीन कर लिया? हाँ कर लिया। प्लीज मैम इस तरह से रोइए मत, आप खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हैं? काफी वक्त हो गया उनके बच्चे गिर गए। मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता, क्या करूं? मैं बहुत नाजुक दिल हूँ। तुम यहाँ पर हो और मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही हूँ। मैंने जॉब छोड़ दिया मैम। चलो अच्छा हुआ, सब निजात के रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कौन इंतजार कर रहे? मुराद सर और उनके पापा।